नमस्कार, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, PRSU के एक नए अपडेट वीडियो के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं। और इस समय जो है सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ये है कि वार्षिक परीक्षा 2020 का जो रेगुलर प्राइवेट वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी का टाइम टेबल जारी हो चुका है। जाने कब से होने वाली है परीक्षा और उसके साथ ही जो है जितने भी समस्त जानकारी है वो उसको इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिले तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि सभी तक जो है इन्फॉर्मेशन जो है सही टाइम पर पहुंच जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसमें बात करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, उस PDF को देखते हैं जो आज आया हुआ है टाइम टेबल के रूप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये PDF है जिसमें आज का जो है 24 मई का दिनांक डला हुआ है। वार्षिक परीक्षा 2021 की जो है समय सारणी है ये। तो देखिएगा इसके अंदर का लिखा क्या है कि जो वार्षिक परीक्षा 2021 में आयोजित होने वाली जो UG और PG स्तर की परीक्षा थी उसके लिए टाइम टेबल जो है COVID-19 के परिस्थितियों को देखते हुए घोषित की जा रही है। www.prsu.ac.in में उपलब्ध है और अवलोकन करके आप उसमें को प्रिंट कर भी सकते हैं। साथ ही जो है विसंगति होने पर तत्काल सूचित करने का कष्ट करें ऐसा लिखा गया है। हालांकि इसको जो है विभिन्न बारीकियों के माध्यम से जो है तैयार किया गया है, लेकिन कुछ ऐसा विसंगति हो गया कि जो है पेपर दो बार छप गया है या कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आपको सूचित करने का यहाँ पर संदेश दिया गया है। टिप में बात यह करता है कि जो सभी परीक्षाओं के आयोजन संबंधी जो दिशा निर्देश था कि कैसे परीक्षा होगी वो इस वाले अधिसूचना में, दो अधिसूचना आई थी उसमें पहले से जारी की गई है, जो 8/6/2021 के द्वारा जारी हो चुकी है। जबकि देखिए अभी 8/6 कहाँ होगा, हाँ ठीक है। इसके बाद ये है जो है तुम्हारा दूसरा जो लिखा हुआ है ये है कि उक्त घोषित समय सारणी जो है परीक्षाएं कैसे होगी, ऑनलाइन होगी या फिर ब्लेंडेड मोड में होगी। ठीक है, तो जैसे अभी जो परीक्षाएं आज से जो प्रारंभ हुई है सेमेस्टर वालों की, वैसे ही आप सभी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। जैसे कि नीचे चले जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा समय सारणी कब, सबसे पहले BA भाग 1 और 2 और 3 का दिया हुआ है। देखिए BA भाग 1, BA क्लासिक्स और BA क्लासिक्स भाग 2 और ये, तो ये दिया हुआ है। आप ग्रुप के हिसाब से देख सकते हैं इसमें। और ये जो है जो आपका स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। कब से स्टार्ट हो रहा है, 15 जून से, माने कि सबका परीक्षा जो होगा वो 15 जून के आसपास से ही सबका स्टार्ट होगा 15 जून से। जैसे 1 जून से बाकी वाले कोर्स लोग का था ना, वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों, अभी जो है कंटिन्यू एग्ज़ाम होगा इसमें और कोई भी गैप नहीं मिलेगा। जैसे कि छुट्टी उट्टी वगैरह भी है तो उसमें भी कोई गैप नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑनलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड है, ऐसा बोल सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं सब कोर्स का दिया हुआ, जैसे BA का निकल गया, अब ये देखिए BSc होम साइंस वालों का आ गया, वैसे ही आएगा। फिर BSc भाग 1-2 नया और पुराना पाठ्यक्रम, पूरक यानी कि सुपर सप्लीमेंट्री वाले का और भूतपूर्व वाले का। देखो भाई, ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है तुम्हारा रेगुलर का, ये है प्राइवेट का। ठीक है, BSc भाग 1 वालों का, BSc भाग 1 में फिर जो भूतपूर्व वाले हैं एक्स रेगुलर और ये है सुपर सप्ली वालों का, पेपर इस दिन है। ठीक है, वैसे यहाँ पर इसमें है पूरक वालों का भाग 2 का, फाइनल ईयर का इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया है भाग 1 और भाग 2 का। उसी तरीके से नीचे जाएंगे तो यहाँ भी देखिएगा फाइनल ईयर का यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, सब चीज़ में जो है देखेंगे। तो अभी जो है क्या क्या दिया है उसको पढ़ते हैं। BCom भाग 1 का दिया हुआ है शुरू में, ये जो है दिया है नियमित दिया है और प्राइवेट दिया हुआ है। BCom भाग 1 का उसी में पुराना पाठ्यक्रम में एक्स रेगुलर और सप्लीमेंट्री सुपर सप्लीमेंट्री, वैसे ही इसका भी है उसका पूरक इसमें आ गया। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ही था। उसी तरह अब इसमें दिया है आपका BSc में ग्रुप का अलग अलग दिया हुआ है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेगुलर का है क्या है, ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे पीछे कभी भी हो सकता है। इसलिए ध्यान ये रहे कि आपका एग्ज़ाम कब है उसको पर्टिकुलर एक अलग से नोट करके रखें या फिर मार्क करके रखें, क्योंकि ऐसे में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा टिप में क्या क्या लिखा हुआ है। सब में एक ही लिखा है, प्रश्न पत्रों का क्रम विश्वविद्यालय के अनुसार है, ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड होगी। ठीक है, कार्यक्रम जैसा निर्धारित हुआ है वैसे ही होगी। वार्षिक परीक्षा हेतु वही परीक्षार्थी प्राप्त होंगे जो हार्ड कॉपी संबंधित परीक्षा परीक्षार्थियों द्वारा जमा की गई है। अच्छा, देखिए हार्ड कॉपी जो जमा किया है उसी का होगा ऐसा बोल रहा है। बहुत सारे छात्र जो है हार्ड कॉपी जमा नहीं किए हैं, वो कॉलेज से संबंधित बात करें तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर बोला गया है। साथ ही जो है पाँचवा, वेबसाइट में जो है आपको मिल जाएगा प्रवेश पत्र,
ठीक है। यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करना है मैंने बता दिया है। सिक्स्थ बोर्ड है प्रायोगिक परीक्षा हेतु जो है आपको कहाँ से निकालना है, महाविद्यालय से संपर्क करना है। सातवां, बीएससी भाग 1, 2, 3 में पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम जो है एक समान होगा, सबको एक ही टाइप का पढ़ना है। तो देख लेंगे, आप समझ जाइए उसमें मैंने क्या क्या बताया है। वैसे ही जो है स्नातक भाग 3, अब देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अलग दिया हुआ था और भाग 3 का अब अलग दिया हुआ है। अब भाग 3 में ऐसा है कि वो सबके लिए एक ही है, नियमित भी है ना, प्राइवेट भी, बहुत एक्स रेगुलर भी और पूरक यानी कि सुपर सप्लीमेंट्री भी, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री तो हो चुका है, सुपर सप्लीमेंट्री है। देखिए इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी हिंदी भाषा के परीक्षार्थियों को प्रश्नों का उत्तर संबंधित भाषा में देना होगा, जैसे लैंग्वेज है वैसे में ही देना होगा, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए बैचलर और लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन का दिया हुआ है, ऐसे करके पूरे 21 पेज यहाँ पर दिए हुए हैं। ध्यान ये रखना है आपको कि हार्ड कॉपी के लिए अपने कॉलेज से बात करना है। दूसरी बात ये बात करना है आपको कि अपना टाइम टेबल को अलग से नोट करके रख लें ताकि आपको समझ में रहे कि क्या होने वाला है। टाइम टेबल को सही तरीके से समझ लीजिए क्योंकि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अलग से दिया हुआ है, फिर फाइनल ईयर का अलग से एक पेज में बना के दिया हुआ है, तो वो भी चीज़ ध्यान रखें। तो इसको आप जो है डिस्क्रिप्शन से लिंक से माध्यम से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और सभी तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है, और PDF भी मिल सके उनको और जानकारी भी मिल सके। और बाकी तो जो टिप पढ़ा मैंने, ये जो टिप पढ़ा वही चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फर्स्ट में एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड होगा। दूसरा, जैसे प्रश्न पत्र दिया है वैसे ही होगा। तीसरा पॉइंट ये बोला है कि जो निर्धारित कार्यक्रम है वैसे ही होगा। चौथा क्या बोला है, वही परीक्षार्थी पात्र होंगे जो कि हार्ड कॉपी को एग्ज़ाम सेंटर या फिर अपने कॉलेज में जमा किए गए होंगे, तो इसी के लिए आपको कॉलेज से बात करना है। अभी भी जो है 30 तारीख, टेंशन मत ले, 15 तारीख से एग्ज़ाम है, ठीक है, 15 तारीख से एग्ज़ाम है, तो एकदम हाइपर मत हो। 30 तारीख का भी एग्ज़ाम फॉर्म ही भराना है, 15 दिन का समय है वहाँ पर, तो 5 दिन में आप एडमिट कार्ड डाउन जमा कर दे, सॉरी 5 दिन के अंतर्गत आप जो है अपना हार्ड कॉपी को जमा कर दीजिएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है आपको prsuvenue.in से, यूज़र आईडी पासवर्ड से। कैसे डाउनलोड करते हैं मैंने बता दिया है, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। तो ये डिटेल था, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो दोस्तों आज से जो परीक्षा स्टार्ट हुई है 24 मई से, वो 24 मई की एक सेमेस्टर एग्ज़ाम परीक्षा जो स्टार्ट हुई, तो एकदम सही समय पर जो है क्वेश्चन पेपर आ गया था। तो ऐसे ही आपके कॉलेज के ग्रुप में या तो फिर आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी तो वैसे सब चीज़ मैंने बता दिया, और कोई भी प्रकार का और भी कन्फ्यूज़न अगर लगता है तो आपको नीचे कमेंट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन फटाफट मिल जाए तो आपको जो है इंस्टाग्राम पर बने और टेलीग्राम पर बने चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक तो दिया ही है, इस वीडियो में नहीं होगा तो और भी अन्य वीडियो है जिसमें लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टच करेंगे तो आप वहाँ पर जाके फॉलो करेंगे तो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और ग्रुप में जो है पर्टिकुलर लिंक आपको जो है मिलता रहता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्षांश कोचिंग क्लासेस, और जो भी कोई डाउट हो नीचे लिखिएगा।